जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता बड़वानी में हुई संपन्न, खिलाड़ियों ने दिखाया जोश। जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता बड़वानी के दशहरा मैदान स्थित मृगनयनी मेरेज गार्डन पर आयोजित की गई, जिसमें पूरे जिले के 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता पुरुष व महिला वर्ग में सब जूनियर सीनियर एवं मास्टर विभिन्न वजन ग्रुप में आयोजित की गई थी। आयोजन फिटवेल जिम के संचालक मनीष गुप्ता द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़वानी कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अजमेर सिंह अलावा भी उपस्थित थे। आयोजन के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलवंत पटेल ने उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में एक हाथ से दिव्यांग पवन इसके जूनियर वर्ग में 275 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान, सीनियर वर्ग में राजू सिंह ने 450 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं मास्टर वर्ग में श्रीमती सुनीता काग ने 250 किलोग्राम का वजन उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। संयुक्त आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित थे। वहीं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे जोश से अपना दमखम दिखाया। वहीं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता से बड़वानी जिले की युवा प्रतिभा को प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर मंच मिलेगा। निर्णायक की भूमिका में मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन इंदौर से आए अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक रमेश चंद्र नामदेव, राजेश परमार, मनोज शर्मा, विकास जोशी थे, जबकि मेडल बबलू ठाकुर ने अपने पिताजी की स्मृति में प्रदान किया। संचालन आरआर प्रिंस और आभार शान खान ने किया। दुनिया में अपने शौक को लेकर कई लोगों में जुनून है, उनमें से एक बड़वानी निवासी पवन, जिसका एक हाथ एक्सीडेंट में काटा पड़ गया था, लेकिन हाथ कट जाने के बाद भी पावर लिफ्टिंग के शौक ने आज वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में विनर बना दिया है। उनका यह जज्बा देखकर सभी लोगों को प्रेरणा मिली है। बड़वानी में निजी मैरिज गार्डन पर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में अलग अलग स्थानों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचे पहलवानों ने अपना दम दिखाया। उन पहलवानों में आए एक शख्स को देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। बड़वानी के ही निवासी पवन इसके ने सभी को अपना दम दिखाकर सोचने पर मजबूर कर दिया। जब प्रतियोगिता में अव्वल नंबर पर उनका नाम आया और ये पता चला कि उन्होंने यह खिताब जीता है। पवन इसके ने मीडिया से चर्चा के दौरान जानकारी में बताया कि वह जिम के पास ही रहते हैं और उन्हें भी जिम में कसरत करने का शौक है, लेकिन दुर्भाग्यवश हुए एक हादसे में पवन का हाथ काटना पड़ा। लेकिन शौक और जुनून के चलते उनके द्वारा जिम ज्वाइन करने की ठानी, जिसके बाद पवन ने YouTube पर वीडियो को देखकर टूल घर पर तैयार कर जिम ज्वाइन कर ली और वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हुए मेहनत करते हुए अपने आप को तैयार किया। कड़ी मेहनत और लगन से तैयार होने के बाद उन्होंने बड़वानी में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और इस दौरान पवन ने 352 किलो वेट उठाकर प्रतिभागियों में पहला नंबर हासिल किया। उनकी सराहना करते हुए आयोजकों और उपस्थित जनों ने उनके जज्बे को सैल्यूट किया। वही आयोजकों द्वारा मेडल देकर पवन को सम्मानित किया गया। पवन एसके, कहाँ रहते हैं? बड़वानी प्रॉपर। आप लिफ्टिंग करते हैं? हाँ, पावर लिफ्टिंग। किस तरह से करते हैं, जबकि आप एक हाथ आपका जो है जो थोड़ा सा डैमेज है, हाँ, तो कैसे कर पाते हैं और क्या सोच के करते हैं? क्या है, बचपन से मतलब काफ़ी टाइम से मैं उधर जिम के उधर ही रहता था, तो जिम करने का शौक था, लेकिन उसके बाद में एक्सीडेंट में ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी जिम करने की इच्छा थी उसमें, तो हो नहीं पाती थी सही से, लेकिन YouTube पे वीडियो देख के इसे कुछ सपोर्ट के लिए बनाया मैंने टूल्स वगैरह, जिससे कि जिम हो जाती है पूरी। और क्या कहेंगे जिम को लेकर, जो आपने अच्छा था, जो आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी आप कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? इस तरह से शौक पूरा करने का है, तब शौक पूरा कर रहा हूँ मैं जिम करने का, वही है बस। RPTV न्यूज़ की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज़ की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।